पल्स ऑक्सीमीटर। तो ये पल्स ऑक्सीमीटर जो है आपके ब्लड में ऑक्सीजन का सेचुरेशन मेजर करने के काम आता है। तो क्या है ये मशीन, किस तरीके से ये मशीन काम करती है, ये मशीन कितने की आती है, कहाँ से मिलती है, तो ये सब कुछ दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका, मेरा नाम है दीपक, आप हैं समय पे टेक्निकल फ्लाइट में। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के टेक ऑफ करते हैं। अब दोस्तों फटाफट मैं ये बताता हूँ कि ये ऑक्सीमीटर काम कैसे करता है। सबसे पहले तो ये है SpO2। SpO2 स्टैंड्स फॉर सैचुरेटेड पेरिफेरल ऑक्सीजन परसेंटेज इन योर ब्लड। तो हमारे ब्लड में होते हैं RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स, और उन RBC के अंदर होते हैं हेमोग्लोबिन। उन हेमोग्लोबिन के अंदर एक पोटेंशियल होता है कि वो ऑक्सीजन को ट्रैप कर सके या फिर ऑक्सीजन से सैचुरेट हो सके। तो ब्लड के अंदर कितने हेमोग्लोबिन है और उन हेमोग्लोबिन ने कितना ऑक्सीजन कैप्चर किया हुआ है, क्योंकि हर हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को सैचुरेट नहीं करता है। तो यहाँ पे हम इसी चीज़ को मेजर करते हैं इस डिवाइस से जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीमीटर। इस ऑक्सीमीटर में जो मेन पार्ट होते हैं वो होता है इसके अंदर एक प्रोसेसर जो कि पूरी प्रोसेसिंग करता है, और जो दूसरा होता है वो होते हैं दो LEDs होते हैं यहाँ पे, एक होता है इंफ्रा रेड LEDs और एक होता है रेड LEDs, और साथ ही में यहाँ पे एक लगा होता है फोटो डिटेक्टर। LEDs का काम होता है लाइट एमिट करना, तो वो लाइट एमिट करता है और हेमोग्लोबिन जो होता है उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है उस लाइट को, और कितने लाइट जो LED ने पास की है उसके बाद कितनी लाइट हेमोग्लोबिन एब्जॉर्ब करता है क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन लेवल है, और कितनी लाइट आखिरकार में एक फोटो डिटेक्टर डायोड को मिलती है, इन सभी का मेजरमेंट होता है। अगर आपके हेमोग्लोबिन में ऑक्सीजन का लेवल अच्छा होगा तो वो ज़्यादा इंफ्रारेड लाइट को कैप्चर करेंगे यानी कि एब्जॉर्ब करेंगे, और कम लाइट फोटो डिटेक्टर के पास पहुंचेगी। तो इन सब चीज़ों की प्रोसेसिंग करता है फिर ये प्रोसेसर, और आपको बताता है कि कितनी परसेंटेज लाइट एब्जॉर्ब हुई है, और उस हिसाब से बताता है कि ऑक्सीजन लेवल हेमोग्लोबिन में कितना है। ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन में होता है और हेमोग्लोबिन के थ्रू ऑक्सीजन जो होता है हमारे बॉडी के सारे टिश्यूज में पहुंचता है, जो कि उनकी फंक्शनिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ब्रेन, हार्ट, ये समझ लीजिए कि हर एक ऑर्गन को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, वरना उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है और अल्टीमेटली कुछ फेलियर्स भी हो सकते हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आपको कहा जाता है कि अपना ऑक्सीजन लेवल हर समय पे आप मेजर करते रहिए, जिसके लिए ये ऑक्सीमीटर डिवाइस है। ऑक्सीमीटर पहले बहुत सस्ते हुआ करते थे, 300-400 रुपए के मिलते थे, लेकिन इस समय पे जो एक्सपोनेंशियल राइज हुए हैं कोविड के केसेस में, उसके तहत ऑक्सीमीटर के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन खरीदते हैं, मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां पे आप चेक करिएगा, और हो सकता है कि वहां पे भी आप नीचे जाके अदर सेलर्स ट्राई करें तो वहां पे आपको और भी सस्ते ऑप्शंस मिल सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये जानकारी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सभी को शेयर करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। इसी तरीके की टेक्निकल इन्फॉर्मेशन से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल टेक्निकल फ्लाइट को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।